बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे मीठा ब्रेड रोल मलाई, जिसकी रेसिपी बहुत सिंपल सी है। दूध तकरीबन मैंने आधा किलो ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब हम इसको पकाएंगे। दूध हमने पकाने रख दिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी, दो टेबल स्पून के करीब, बल्कि ढाई। थोड़ा हम मीठा चख लेंगे। तो हमने पका के अच्छी तरह से रख लिया था पहले। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध निकाल के रख लिया है। इसमें मैं कस्टर्ड मिलाऊंगी, वनीला कस्टर्ड। ज़्यादा नहीं डालूंगी कस्टर्ड, बस इसके थोड़े दूध को गाढ़ा करने के लिए। ये एक टीस्पून ग्यारह चमचे भर के डालूंगी। अच्छा, दूध को हमने है ना पकाने रख दिया है, कम से कम एक दो तीन मिनट पकाऊंगी इसको, क्योंकि चीनी घुल जाए अच्छी तरह से। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, एक चुटकी वाला। बिस्मिल्लाह रखाने रही। अच्छा, दूध में तकरीबन एक दो मिनट हो गए पकते हुए। अब इसे हम डालेंगे कस्टर्ड, इसको मैं डालूंगी और चलाते रहेंगे मिक्सर से, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अच्छा, इसको पका के मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करने फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये ठंडा हो, आराम से ठंडा हो जाए। इसको हम दो तीन मिनट तक पकाऊंगी मैं इसको। एक दो मिनट तक पकाना है मुझे, फिर इसका मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, ये मैंने एक डबल रोटी का पीस लिया था, इसको मैंने इस तरह चूरा कर लिया है डबल रोटी का। अब इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी इसके अंदर, ताकि और गाढ़ा हो जाए। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल समझिएगा, ऐसा लगेगा जैसे रबड़ी खा रही। तकरीबन ये पक चुका है, इसको हम करेंगे चूल्हा अब बंद। देखिए, अब इसे ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा ये। अच्छा, बिस्मिल्लाह रखानी रही है। अच्छा, ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए डबल रोटी के पीस, जो मेरे पास रखे हुए थे। और अव्वल तो है ना फ्रेश नहीं थे, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे पास रखे हुए थे तो मैं इसके बना रही हूँ। अचानक मीठा खाने का दिल चाह गया तो मैंने चला ये बनाते हैं। और चलते इसकी मैं अभी कटिंग करूँगी। अच्छा, मैंने इसे है ना क्रीम ली है, दो तीन टेबलस्पून है। इसमें मैं डालूंगी दो टेबलस्पून सूखा दूध। चीनी भी जाएगी। अच्छा, मैंने पीसी हुई चीनी ली है, ये जाएगी। ये भी तकरीबन एक दो टेबलस्पून के करीब। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास पिसा हुआ खोपरा हो तो पिसा खोपरा भी मिला लें इसके अंदर। मेरे पास फिलहाल तो नहीं है, मेरे पास ये मेवा पिसा हुआ रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें मेवा मिक्स करूँगी, इसी के अंदर खोपरा वगैरह सब पिसा हुआ रख डाला हुआ है। तो इसमें मैंने दो तीन टेबलस्पून क्रीम थी और दो टेबलस्पून सूखा दूध डाला है और दो टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाली है। इसको हम इस तरह लगाएंगे। इस तरह ये रोल बन के ये देखें कितनी जल्दी झटपट तैयार हो गया। अब हम ये दूध देखें, माशाल्लाह से कितना गाढ़ा हो गया ये। अब हम इसके अंदर ऊपर से डालो, ठंडा भी हो गया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पहले पता नहीं वीडियो बनी नहीं बनी क्या, ये मैंने ऊपर से ये कस्टर्ड डाल दिया था। अब ये मैं मेवा डालूंगी।
अब इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, आधे घंटे बस हम ढक देंगे इस तरह से और मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये लीजिए हमारा मीठा तैयार।